Hi guys, hi, this is Richa and Deepika and welcome back to our channel What the Fam Do I Know. अच्छा हमने बाकी सारे वीडियोस में बोला नहीं, वैसे बोल देना चाहिए था। श्लोक की तबीयत खराब है इसलिए वीडियोस में नहीं। वरना फिर वो इसको इतना मन था आज हम जो रिकॉर्ड किए उनमें से एक में वो बैठा भी कि नहीं मैं बैठता हूँ फिर उससे नहीं हो पाया। उसकी शक्ल पे दिख भी रहा है उस वीडियो में कि वो मजबूरी में है, मतलब वो टायर्ड वाला है अभी फिलहाल, तो इसलिए सिर्फ हम लोग। एंड ये शो अभी आगे जाते जा रहा है। ये वाले टाइम पे ना किसी को मिस करना पसंद भी नहीं, क्योंकि एंड तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। आप स्टार्ट मिस कर दो इट्स फाइन, क्योंकि आप ओवर द टाइम वो कैचअप कर लेते हो कैरेक्टर्स को आप जान लेते हो, लेकिन एंड में तो पूरा कंक्लूजन्स होता है हर चीज के, हर कैरेक्टर का वो एक फाइनल ग्राफ होता है जहाँ तुम अब बिल्ड देख लिए हो लेकिन तुम एंड में नहीं हो तो अगर वो कैरेक्टर ऐसे तो दिमाग में वो ऐसे ही रहेगा कि वो नीचे नीचे गया। एपिसोड 11 पार्ट 7। हो गया पूरा ड्रामा, तो ये थी एंडिंग, अ हैप्पी एंडिंग। एग्जैक्टली माँ, मैं आपको यही बताती थी कि चाहे ड्रामा हो या रियलिटी हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। हाँ, बट ये तो सेकंड एपिसोड में भी दिखा सकते थे, एकदम आखिर में जाके क्यों चेंज किया? क्योंकि माँ वो आपको हुक्ड रखना चाहते हैं ड्रामे से, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं और स्पाइस ऐड करते हैं ताकि आप जैसे लोग देखते रहे। और मुझे लगता है कि मैं इस स्टोरी में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई और इसको रियलिटी में ले आई। माँ गड़बड़ हो गई मेरी। मैं आपको हमेशा क्या समझाती थी, देखिए कि आप ऐसी विलन नहीं है, आप इतनी क्यूट सी स्वीट सी मॉम है। तो नाउ अब ड्रामा हो गया है, अच्छा था, फन वॉच, व्हाटएवर, लेट इट बी, गो बैक टू बीइंग योरसेल्फ। ओके ओके थैंक यू देवी। मैं नूडल्स बना लेके भाई नहीं। यस दैट मींस अ यस। सब पे शक हो रहा है, भूत का क्या भरोसा, किस इंसान की शक्ल इख्तियार करके मेरे सामने आ गया तो। सिर्फ तुम्हारे दादा भूत है और कोई भूत नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, भूत दादा क्या दिन में भी आते हैं? अभी तक तो नहीं आए, शुक्र है। मैं तो भाई अपने घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, वहां जाके ना सब कुछ नहीं बताना घर पे। घर का या भूत का? अरे दोनों का, ससुराल में सारी बातें नहीं बताया करते, शौर को भी नहीं। आप भी चाचू से बातें छुपाती है ना? चाचू से क्या बातें छुपाती हूँ, कोई महका ही नहीं है बेटा, मेरा तो बस यही ससुराल ही रह गया। अच्छा ना उदास क्यों रही, आप मेरे ससुराल आ जाएंगे। अच्छा नाश्ता कर ले, भी निकलना भी है ना। नाश्ता तो मैं कर लूंगी, कोई दम दरूद करवाए ना घर में। करवा लूंगी, चलो नाश्ता करवा जाओ। मैं तो इस घर में अब नहीं आऊंगी। ओहो उम्मीद, आज तुम बड़ी एक्साइटेड हो घर जाने के लिए। इतनी जल्दी पुराई हो जाओगे, कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है जो बातें हमारे दिल में थी ना पाशा साहब के, मेरे, समीर के, वो हम एक दूसरे से कह सुन कर ना बहुत हल्का फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हम तीनों का दुख एक जैसा है।
लेकिन बस एक दूसरे से शेयर करने में हमने काफी देर कर दी। लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। आई होप तुम हमेशा इस तरह ही खुश रहो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब क्या हो गया? हेलो, हेलो, आप आ गए क्या? यार उम्मीद, I'm so sorry, मैं नहीं आ सकता, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। मुझे आपके साथ जाना था। प्लीज नाराज मत होना, आई प्रॉमिस आई विल मेक अप फॉर इट नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शाम में मुलाकात होती है। अच्छा ओके, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। पर जाद नहीं आ रहे, उनका ड्राइवर ड्रॉप करेगा। नहीं उम्मीद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। निगु जी, आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की। मैं तो शायद अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है उम्मीद, तो मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद है वो। एक्चुअली मैं पहली दफ़ा मदर इन लॉ बन रही थी ना, तो शायद मुझसे काफ़ी गलतियाँ हो गई। निगु जी एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जी मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम ट्रूली सॉरी। नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? नहीं, इंग्लिश में बोलने चाहिए। मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत कर रही हूँ। जी आई एम वेरी ग्लैड, मुझे इजाजत दीजिए। एक्चुअली अगर आप हमारे साथ खाना खाते तो हमें अच्छा लगता। सम अदर टाइम निगु जी, फिर कभी खाएंगे। अब मैं चलता हूँ। वैसे आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो गई है। थैंक यू निगु जी, वैसे आप भी बहुत स्वीट स्पोकन है। आइए जी, जी जी प्लीज आइए। अब बेटा आइए प्लीज। आज से तो मुझे सिर्फ मामा का होगी। नाराज होकर मना तो नहीं कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मीत, आ गई हो? तैयार हूँ। Finally. मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी लग रही हूँ मैं? दिल तो ले ही लिया है, इतना खूबसूरत रखे जान लेने का इरादा। अपनी जान को ना संभाल के रखे, कैफे के लिए निकल रही हूँ। उम्मीद में अभी आया हूँ, लिटरली अभी आया हूँ, दो मिनट तो बैठ जाओ मेरे पास। हाँ लेकिन मेरा काम है ना। प्लीज सर, दो मिनट, प्लीज प्लीज। ओके, वैसे आपने मुझे कहा था, बल्कि वादा किया था कि आप मुझे एवरीडे चाय बनाकर पिलाएंगे। मैंने तो नहीं, मैंने तो not a bad idea. Every day चाय नहीं, मैंने कहा था every day की चाय बनाकर पिलाऊंगा।